हेलो गाइस, क्या आप सभी के पास मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या सभी लोग ये बताएंगे क्या वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है क्या? जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से बताओ क्या वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ मेरे भैया, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कमेंट करके। हम सबसे पहले आए, क्लियर है? आगे सर, अदरक वाली चाय पी के पानी भी गर्म नहीं हुआ होगा इतनी जल्दी। चाय कहाँ पे बनी होगी आदित्य, अदरक वाली चाय। तो सभी लोग गाइस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए यार। सभी लोग जितने भी अपने होस्ट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, आप जिन भी ग्रुप्स में सभी लगे, सभी जगह शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं कि एक बार भैया इधर भी क्लास करके देख लीजिए, कुछ आपके लिए फायदे की चीज़ है। ठीक है मेरे भाई साहब, तो जल्दी से मुझे सभी लोग बताइए वॉइस क्लियर आ रही है, हम स्टार्ट करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ गाइज, वही मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं SSC JEE कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। मेरी यहाँ पे टेस्ट सीरीज आ रही है न्यू। अगर आप लोगों को मेरे भाई मेरी अनअकैडमी पे क्लास करनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल दे रखी है, तो आप मेरी प्रोफाइल दे रखी है, लिंक प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर क्लिक कर मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। जब वहाँ पे मेरे फ्री क्वीज या क्लासेस करेंगे, तो आपको एक अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा, उसका नाम है सिविल गुरु। ठीक है मेरे भाई, सर इसी तरीके से सर सभी सब्जेक्ट करवा दो ऐसे ही, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 1 ईयर का गाइज 6500 रुपये का है, जिसके ऊपर 10% आपको कॉइन से, 10% आपको रेफरल कोड से डिस्काउंट मिलकर ये 5,265 रुपये का पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, रेफरल कोड आपको सिविल गुरु लगाना है। तो सभी लोग आगे, और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोग बताएंगे गाइस, मैं अनअकैडमी पर 2 बजे और 10 बजे रोजाना क्वीज करवाता हूँ, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके लिए आप सिविल गुरु अनलॉक कोड यूज करें। यहाँ पे मैं रोजाना 10,000 MCQ करवाने की कगार पे हूँ, 6-7 हज़ार करवा दिए, आप वो भी देख सकते हैं। चलो तो सभी लोग आगे, हम स्टार्ट करें। सभी लोग आगे हो तो बताओ हम स्टार्ट करें क्या? सभी लोग बताओ अगर आगे तो हम स्टार्ट करें मेरे भाई, जल्दी से बता दो कि सर हम आगे हैं, अब स्टार्ट कर दीजिए, अब धमाका कर दीजिए, आगे अब स्टार्ट करो। यस सर, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, पीछे वाली सारी चीज़ें समझ में आ रही थी क्या? जो पिछली क्लास में मैंने बताया, वो सारी चीज़ें दिमाग में आई या समझ में नहीं आई? ठीक है मेरे भाई साहब। सर यूथ कब स्टार्ट कर रहे हो? जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट वरी मेरे भाई हरी किरण शर्मा, मजे कीजिए, मस्त रहिए, मलंग रहिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। चलो अब गाइस, पहली, अब यहाँ तक हमने कर लिया था, इससे लास्ट वाले वीडियो में अब यहाँ पे कर रहे हैं, कार्बन इन्फ्लुएंस द मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। ये कह रहा है कि जो कार्बन है वो स्टील की प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, और मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। बताओ कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो सभी लोग बताओ डक्टिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सभी लोग बताओ कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डक्टिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सभी लोग जवाब देंगे। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ाते हो, मैं आपका जवाब सुनने के लिए इधर आया हूँ मेरे भाई। सभी लोग बताओ, अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डक्टिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो डक्टिलिटी घटेगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रिटलनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बताओ, आप लोग बताओ, क्या ये स्टील की प्रॉपर्टी को गाइज इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, यस सर कर रहा है। इसलिए कार्बन है, कार्बन कंटेंट वो स्टील की जो प्रॉपर्टी है उनको प्रभावित करता है। जो रोट आयरन है गाइज, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, आयरन की क्या है गाइज, प्योरेस्ट फॉर्म है। अगला गाइज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी चाहिए भैया? आपको पता है ये क्या होता है गाइज, अल्टीमेट कैसे निकालोगे? यील्ड स्ट्रेस बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी करोगे, तो आपके पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगला मेरे भाई साहब, माइल्ड स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है? 0.25% ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील। अरे बताओ रे, क्या ये सही लिखा है क्या? माइल्ड स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है, जल्दी से बताओ। तो माइल्ड स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है, आप लोगों को पता ही है। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है गाइस? जब भी मैं बात करूंगा स्टील की, तो मैं यील्ड स्ट्रेस की बात करूंगा,
और जब भी मैं कंक्रीट की बात करूंगा तो मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करूंगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट भी देख रहा हूँ साइड साइड में, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बड़े भाई बड़े प्यार से बता देना, ठीक है। चलो तो मैंने आप लोगों को तो इल्ड स्ट्रेस क्या है, इल्ड स्ट्रेस इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, तो आप उसकी क्वालिटी बता पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इल्ड स्ट्रेस के इल्ड स्ट्रेस के बाद जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलता है, अरे जो आपका क्या रिपीट करना है मेरे भाई, अरे मैं रिपीट ये कर रहा हूँ कि जो अपना इल्ड स्ट्रेस होता है, जब भी हम स्टील की बात करेंगे तो इल्ड स्ट्रेस की बात करेंगे, जब भी हम कॉन्क्रीट की बात करेंगे अल्टीमेट की बात करेंगे। अगला गाइज, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, फ्लेमिश बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड गाइज अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर गाइज, ठीक है गाइज। तो आपको इंग्लिश बॉन्ड पता चल गया। अच्छा जी मुझे बात बताओ गाइज, जो इंग्लिश बॉन्ड है सभी लोग बताएंगे मेरे भाई साहब, इंग्लिश बॉन्ड किस हैवी लोड के लिए सुटेबल होता है या नहीं होता, सभी लोग बताएंगे। अरे जो इंग्लिश बॉन्ड है वो हैवी लोड के लिए सुटेबल होता है या नहीं होता, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे जो इंग्लिश बॉन्ड है वो हैवी लोड के लिए सुटेबल होता है या नहीं होता, कमेंट करो यार जल्दी से। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा मेरे भाई, सभी लोग कमेंट करके बताओ मेरे भाई, सभी लोग कमेंट करो यार, जितना ज्यादा हो सके सभी लोग कमेंट करो। अरे मैंने ट्रिक बता रखी है आप लोगों को ऑलरेडी, फिर भी आप गलत बता रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। सभी लोग बताओ गाइस जल्दी से, यस ठीक है मेरे भाई। अगला पॉइंट याद कैसे रखना है, जैसे इंग्लिश पियोगे आप हैवी फील करोगे, जैसे आप इंग्लिश पियोगे हैवी फील करोगे, ठीक है मेरे भाई। अगला पॉइंट इंग्लिश बॉन्ड हो गया, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई साहब। अगला क्वेश्चन गाइस, क्वीन क्लोजर क्या होता है, क्वीन मतलब होती है रानी, जो रानी के क्लोज होता है उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर, ये बात समझ में आ गया। तो क्वीन क्लोजर क्या होता है, जो रानी के क्लोज में रहेगा वो भी जो उनकी दासियां वगैरह होती हैं वो क्वीन क्लोजर होती हैं, तो आपको ये आप समझ सकते हो, बिल्कुल आसान है, ये नहीं होता, ये नहीं करके आना एग्जाम में। क्लोजर क्या होता है, कोई भी ब्रिक्स है अगर उसको अलोंग द लेंथ कट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजर, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजर। पर अगर मेरे भाई अगर उसको इस तरीके से कट करो अलोंग द लेंथ मेरे भाई, ये समान पार्ट मिले, तो ये मतलब 9 है तो 9/2 ऊपर मिले 9/2 नीचे मिले, मतलब इक्वल पोर्शन मिले, उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर, बात समझ में आई, उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। अगला इंग्लिश बॉन्ड इज प्रोवाइडेड, देखो आ गया, इंग्लिश बॉन्ड को हैवी लोड में प्रोवाइड किया जाता है, देखो आ गया ना, इंग्लिश बॉन्ड का आप जहां पे हैवी लोड होगा वहां पे इंग्लिश बॉन्ड को प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये बात समझ में आया नहीं आया, बात समझ में आ गई यार। स्टूडेंट कम है सभी लोग शेयर करो यार, क्लास में कम स्टूडेंट आए बाकी लोग कहां पे गए, शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक। अगला स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्ट, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव बाई लिस्ट लेटरल डायमेंशन, लिस्ट लेटरल रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, इफेक्टिव लेंथ टू लिस्ट लेटरल ऑफ जायरेशन ऑफ मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, शुड नॉट बी मोर देन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये गुप्ता एंड गुप्ता में लिखा भी हुआ है कि भाई मैसनरी वॉल के लिए कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो, 20 से, ठीक है मेरे भाई साहब। अगला करेंगे गाइस, द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ सैंडी सोइल गाइस शुड नॉट बी मोर देन 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने जब आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को गाइस गुप्ता एंड गुप्ता का सोल्यूशन करवाया था, तो क्या मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी क्या, अगर किसी को हो क्या आप मतलब हो क्या आप मतलब क्या ये क्या हो गया मेरे भाई रविंदर, क्या दिक्कत है तुझे, अरे भाई क्या समस्या है, अरे दिक्कत क्या है मेरे भाई बता तो सही, छोड़ो इग्नोर मारो। तो गाइज आप लोगों को वो टेबल से आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला गाइज, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल, तो गाइज आप कौन सी देखो, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल द मोस्ट सुटेबल मेथड इज रिप्लेस टू द पुअर सॉइल, और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था
कैसे रिप्लेस करते हैं गाइस? क्या मैंने ये बात आपको बताई थी क्या? अरे मेरे भाई बताओ, मैंने बताया था वहां पे हम उस सोयल को रिप्लेस कर देंगे, बताया था ना मैंने, एक गड्ढा खोलेंगे उस सोयल को हटा देंगे और वहां पे हम अच्छी बेरिंग स्ट्रेंथ वाली बेर जो जिसकी बेरिंग स्ट्रेंथ होती है उसको हम वहां पे रिप्लेस कर देते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन इज मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन टू ट्रांसमिट द हैवी लोड। अगर पूछा जाए बताओ कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन है हैवी लोड के ट्रांसमिट के लिए, तो क्या आंसर आ जाएगा? ग्रिलेज फाउंडेशन। क्लियर। अगला, ये इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने 2 बजे वाली क्लास में पूछा है गाइज कि बैटर पाइल क्या होती है, तो बैटर पाइल इज यूज टू रेजिस्ट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्स। कई बार मैंने ये क्वेश्चन करवा चुका हूं कि बैटर पाइल क्या होती है, तो आप लिख दोगे जो बैटर पाइल है उसको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। समझ में आया? 0.9 मीटर, 0.9 मीटर यानी 90 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑन क्लेई सोइल। तो क्लेई सोइल के लिए आपको पूछा जाए बताओ मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, तो आप बोल दोगे सर 0.9 मीटर। क्लियर हो गया। अगला, मैंने अभी तक फाउंडेशन नहीं पढ़ाया। अगला गाइज, वाटर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग सोइल कैन बी इंप्रूव बाई ड्रेनिंग द सोइल। ये भी गुप्ता एंड गुप्ता का सवाल है, वहां पे पूछा हुआ ये क्वेश्चन, अगर आप किसी को याद हो तो, मुझे अभी भी याद है। डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ आर्च क्या होती है मेरे भाई साहब? ये कोई आर्च है मेरे भाई, बड़े भाई ध्यान से सुनना, ये कोई आर्च है आपका, ठीक है, ये कोई आर्च है। अरे ये अच्छे से नहीं बना, तो ये जो गाइज ये एक्स्ट्रा हो गया इसका, ये आउटर है ये इनर है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर जो इनके यानी देखो ना जो एक्स्ट्रा डोस और इंट्रा डोस के जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? डेप्थ बोलते हैं या हाइट ऑफ आर्च बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यस, फ्लैट रूफ क्या होती है? वो पेट्रोल पंप वाली होती है भैया, फ्लैट रूफ। तो गाइज ये सही बताया क्या? फ्लैट स्लैब होती है नहीं, फ्लैट रूफ मतलब ये, बस ये होती है फ्लैट रूफ, वो फ्लैट स्लैब होती है, ठीक है। तो फ्लैट रूफ इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द रेनफॉल इज लेस एंड टेम्परेचर इज हाई। जहां पे गाइज कम रेनफॉल हो और ज्यादा टेम्परेचर हो वहां पे हम फ्लैट को काम में लेते हैं, ठीक है मेरे भाई साहब। अब पिच एंड स्लोपिंग रूफ क्या होती है? हाँ वो फ्लैट स्लैब होता है, मैंने बोला ना। पिच एंड स्लोपिंग रूफ क्या होती है गाइज? कोस्टल रीजन के लिए उसमें स्लोप होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीप जनरली। बताओ गाइज कितने? अरे एक फ्लैट जो है फ्लैट, बताओ गाइज इसमें कितने मैक्सिमम कितने स्टेप हो सकते हैं एक फ्लैट में? मैक्सिमम कितने स्टेप हो सकते हैं जल्दी से बताओ, कितने हो सकते हैं जल्दी से बताओ? मैक्सिमम भी पूछा जाता है और मिनिमम भी पूछा जाता है बंधुओं, तो मैक्सिमम तो 12 और मिनिमम क्या बताओ? मिनिमम कितना? आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, अगर नहीं पता है तो बता दो कि सर हमें नहीं पता है, आप कमेंट ही नहीं करते हो मेरे भाई। मैक्सिमम 12 और मिनिमम 3, मैक्सिमम 12 मिनिमम 3। अगला, सम ऑफ थ्रेड एंड राइज कितना होता है गाइस? 400 से 450 mm, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल ऑफ विड्थ ऑफ स्टेयर। लैंडिंग क्या होती है आप लोगों को बड़े प्यार से जानते हो, तो मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी किसके इक्वल होनी चाहिए? विड्थ ऑफ स्टेयर के इक्वल होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड गुड स्टेयर केस, गुड स्टेयर केस मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको लगाओ स्टार कि भैया मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच, जो मैक्सिमम पिच के लिए 40 डिग्री और मिनिमम गाइज 25 डिग्री, ये आप लोगों को पता होना चाहिए गाइज, ठीक है मेरे भाई साहब, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डॉग लेग्ड स्टेयर क्या होती है? हाफ टर्न स्टेयर को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई साहब? डॉग लेग्ड स्टेयर बोलते हैं, जैसे ये गया और ये 180 पे, ठीक है गाइज, तो डॉग लेग केयर क्या होती है गाइज? हाफ टर्न स्टेयर को हम क्या बोलते हैं? डॉग लेग बोलते हैं। क्लियर हो गया। मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन हॉर्न्स, तो गाइज आपसे ये पूछा जाता है कि गाइज हॉर्न्स क्या होते हैं गाइज, हॉर्न क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सिल इज कॉल्ड, ये आपने पढ़े होंगे भाई, ये वाले क्या होते हैं गाइज? हॉर्न होते हैं गाइज, तो ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है किसका? एट हेड एंड सिल में, ठीक है। अब रिवॉल्विंग डोर क्या होता है? आप जब गार्डन में जाते हो, किसी को पता है गार्डन में कई बार वो ऐसे होता है, इस तरीके का डोर होता है, इसमें आदमी फिर जाता है फिर इसको घुमाओ फिर एंट्री करता है, तो वो होता है रिवॉल्विंग डोर। समझ में आया क्या क्या होता है रिवॉल्विंग डोर?
अरे गार्डन में नहीं देखा शहरों में यार, गार्डन देखना। मैं जयपुर में तो सर में चार मॉल में भी होता है, बड़े बड़े मॉल में। तो इसमें जाएगा तो गाइस फिर ये ऐसे ये रोटेट होता रहेगा, इधर से आदमी निकल जाएगा। हाँ गोल गोल फंस जाते हैं उसमें, बिल्कुल फंस जाते हैं, बड़े मोटे आदमी हम जैसे तो फंस जाते हैं उसमें। तो होता है रिवॉल्विंग डोर, इज सुटेबल फॉर इंट्रेंस, किसके लिए, इन एयर कंडीशनल बिल्डिंग के लिए सुटेबल होता है। अगला गाइस, अट्रेशन टेस्ट कहाँ पे किया जाता है? तो अट्रेशन टेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। तो भैया अगर आपको वियर ऑफ स्टोन डिटरमाइन करना है तो कौन सा टेस्ट करोगे मेरे भाई साहब? अट्रेशन टेस्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला, इन्फ्लोरेंस क्या होता है मेरे भाई साहब? अरे मेरे भाई साहब, एल्कलाई, एल्कली की वजह से, जो एल्कली की वजह से मेरे भाई साहब क्या होता है, जो सर आप देखना सरफेस के ऊपर व्हाइट पैचेस जो बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग की एस्थेटिक जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है गाइज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भैया इन्फ्लोरेंस व्हाइट पैचेस जो बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा वेनेडियम स्टील, तो वेनेडियम स्टील को कहाँ, और ये मैं बता भी चुका हूँ वेनेडियम स्टील क्या होता है। तो वेनेडियम स्टील को कहाँ पे यूज करोगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सल्स एंड स्प्रिंग, तो हम वहां पे यूज करेंगे। बात समझ में आए? चाबी पाना। अगला गाइज करो, अगला क्वेश्चन करो गाइज जल्दी से। टू प्रोड्यूस नियोप्रिन क्या होता है? सुटेबल फॉर, ये नियोप्रिन कहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। नियोप्रिन इज सुटेबल फॉर बेयरिंग ऑफ ब्रिक्स, सॉरी बेयरिंग ऑफ ब्रिजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगला, अगर आपको लो हीट सीमेंट, तो बताओ टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? सी टू है सबसे ज्यादा होगा, और C3 ये क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यही पूछ रहा है भैया, लो हीट सीमेंट में सबसे कम क्या होगा? C3 ये होगा। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है मेरे भाई साहब। अरे ये कौन है भाई, ये कौन है मेरे भाई साहब, ये किस दुनिया से आए हैं भाई, ये कौन है, ये इतने फालतू के मैसेज करा जा रहा है। माई माई आई डी वाज क्यों भाई, क्यों सलमान खान है क्या? अरे ये फालतू के हैं, इनको इग्नोर मारो, ऐसे लोगों को इग्नोर मारना चाहिए। इग्नोर मारो और इग्नोर मार के बेइज्जती करो ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों को इग्नोर मार के बेइज्जती करा करो, ऐसे लोगों को इग्नोर मारो फिर बेइज्जती करो, ठीक है मेरे भाई साहब। ऐसे लोगों को तो पहले इग्नोर मारो फिर बेइज्जती करो। हाँ इग्नोर मार दिया हमने, इसकी बेइज्जती हो गई, अब चलो हम ध्यान ही नहीं देंगे अब इसके कमेंट पे, करने दो। अच्छा अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर एबल प्रोसेस किस लिए काम में आ जाता है, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी जेई में गाइज। सर एबल प्रोसेस, तो टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर असिस्टेंस बाई सर एबल प्रोसेस, तो ये पूछा जाएगा। अगर टिम्बर को आपको मोर फायर असिस्टेंस बनाना है तो क्या प्रोसेस काम में लोगे? सर एबल प्रोसेस काम में लोगे, ठीक है मेरे भाई साहब। अगला करो गाइस जल्दी से। क्रेसोइट क्या होता है? इज डाइव फ्रॉम वुड और कोल, एक्सिस ऑफ सल्फर, तो क्या होगा गाइस? इन स्टील, रिजल्ट इन रेड शॉर्टनेस, एक्सिस ऑफ सल्फर की वजह से। डिस्टम्बर क्या होता है गाइस? डिस्टम्बर इज यूज टू कोट इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है गाइस, सरफेस से बचा सके हमारी, ये मैं बता चुका हूँ, ये आप लोगों को मैंने कल ही बताया था। अच्छा मुझे बताओ भैया कितना लीटर चाहिए डिस्टेंबर में, जल्दी से बताओ कितना लीटर पानी चाहिए, जल्दी से बताओ भैया, अरे जल्दी से बताओ, मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है। जीरो पॉइंट सिक्स लीटर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट्टी स्टार लगा लो गाइज, पुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी में और स्टेट लेवल में, पता नहीं कितनी बार आ चुका है। पुट्टी क्या है गाइज? तो पुट्टी क्या है? इट इज मेड अप पाउडर चाक एंड रो गाइज लिसन ऑयल, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट्टी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गाइज। व्हाट इज पुट्टी? तो ये दिया होगा चाक एंड लिसन ऑयल आपको दिया होगा गाइज, ठीक है, लिसन ऑयल, ये आप लोगों को याद रखना है भाई। द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज अप्लाइड मोर इन केस ऑफ माइल्ड स्टील, सीधी सी बात है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट डिटरमाइन द वर्केबिलिटी, तो स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर और कौन कौन सा हो गया मेरे भाई साहब, जल्दी से बताओ, और कौन सा हो गया मेरे भाई, जल्दी से बताओ, जो वर्केबिलिटी के लिए काम लेते हैं। वीबी टेस्ट, ये सब किसके लिए काम में लेते हैं भैया? वर्केबिलिटी के काम में लेते हैं। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 से 15%, ये भी आप लोगों को लिखनी है मेरे भाई साहब। अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट 7 to 28 days कितना होता है? 2/3, इंपॉर्टेंट है, अभी राजस्थान जेई में आया था ये,
ये अभी गाइस आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि भैया 7 डेज का 28 डेज का वो जो अप्रोक्सीमेट रेशियो होता है स्ट्रेंथ का कितना होता है 2:3। बताओ गाइस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज 12%, ये भी मैं बता चुका हूँ। 0.28 P टाइम्स अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू इनिशियल सेटिंग टाइम, ये गलत लिखा है मेरे भाई साहब। 0.72 थोड़ी होता है, 0.78 P होता है ना गाइस, ये गलत लिखा। साउंडनेस के लिए 0.78 P, ठीक है गाइस, 0.78 P साउंडनेस के लिए और 0.5 P इनिशियल सेटिंग के लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। और गाइस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए P/4+3%, ये आपको, और गाइस टेंसाइल निकालने के लिए P/5+2.5%, ये आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई साहब। ये भी लिख लो साइड में कि कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए कितना वाटर ऐड करेंगे, लिख लो। कई बार पूछा जाता है मेरे भाई कंप्रेसिव निकालना है तो P/4+3% वाटर ऐड, और यहाँ पे जो रेशियो होता है 1:3 का होता है सीमेंट और सैंड का, ठीक है मेरे भाई साहब। और इसमें P/5+2.5%, ये किसके लिए, टेंसाइल के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, और इसमें भी 1:1:3 का होता है। गाइज स्टूडेंट इतने लाइव हैं पर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात है। जब इतना प्यार से आपको इतनी कंटेंट दे रहा हूं तो लाइक तो कर दो बॉस। अगला गाइज सभी लोग बताओ लाइम मोर्टार क्या होता है। गाइज लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद हाइड्रोलिक लाइम, बिल्कुल आसान है। द टेक्सचर ऑफ सैंड इज ग्रेंगुलर क्रिस्टलाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब क्या है, सुखाना। सीजनिंग का मतलब है मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना, यानी रिमूव सैप बोल दो, सैप बोल दो या मॉइस्चर कंटेंट बोल दो, एक ही बात है। सभी लोग रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील डेड टू माइल्ड माइल्ड स्टील इज अबाउट 1, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होता है, इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, ये ईएससी में पूछा जा चुका है, ये ईएससी में पूछा जा चुका है गाइस। पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है गाइस, किंग क्लोजर किससे रिलेटेड होता है, इस तरीके से आएगा, क्या स्टोन मैसनरी से रिलेटेड होता है या ब्रिक मैसनरी से या टिम्बर से, तो आपको पता है बताना है भाई। सर ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड होता है, अरे भैया आप लोगों को पता है ना, ये समझ में तो आ रहा है ना। हाई एलुमिना, एक सेकेंड मार्कर चल क्यों नहीं रहा बे, ये नाराज हो गया। तो गाइस ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड होता है। अच्छा हाई एलुमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हाई एलुमिना सीमेंट के क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है ये मैं। अच्छा द ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रियोलेशन रिक्वायर्ड ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स 20, मैग्नीज स्टील इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेल के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा स्टील काम में लिया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई साहब। गेज मोटार क्या होता है मेरे भाई साहब, गेज मोटार इज ऑप्टेन बाई एडिंग सैंड एंड लाइम एंड सीमेंट, तो लिखो सीमेंट कौन लिखेगा यार, आधी अधूरी और इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। जो गेज मोटार होता है उसमें सीमेंट और सैंड भी आता है, और उसका जो रेशियो रखा जाता है, जो सीमेंट एंड लाइम का वो रेशियो रखा जाता है मेरे भाई साहब, सीमेंट और लाइम का 1:6 से 1:8, ये भी लिख लेना मेरे भाई साहब। आई एम लाइव जयपुर, अरे भाई मैं खुद जयपुर का हूँ, बताओ ना क्या दिक्कत हो रही है यार मेरे भाई, पढ़ ले यार मेरे भाई, क्यों घर वालों के लिए सपने तोड़ रहा है। किल्न के लिए टेम्परेचर क्या रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भैया, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। बिफोर टेस्टिंग सीमेंट टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड बी टेस्ट ऑफ ये कह रहा है, अगर सीमेंट का कोई भी टेस्ट करना है तो उससे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना चाहिए मेरे भाई साहब, उससे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होना चाहिए, ये बात आप लोगों को पता है या नहीं पता। अरे ये बात पता है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई साहब, पता है ना 1400 से 1600 तो होना चाहिए मेरे भाई साहब, ठीक है। तो ये जो जितने भी टेस्ट करोगे उससे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना है, जो जिसको हम किससे करते हैं, विकट अपराटस से करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट इज डिस्पर्स द पार्टिकल रिमूव एयर बबल एंड रिटार्ड सेटिंग, तो आपसे पूछा जाएगा द सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या काम है, तो आप बड़े प्यार से बोल दोगे कि डिस्पर्स द पार्टिकल्स रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग। सुरखी क्या होता है गाइस, सुरखी क्या करता है गाइस, हाइड्रोसिटी इम्पार्ट कराता है, क्यों, क्योंकि गाइस सुरखी क्या होता है ये भैया, जो ब्रिक्स का क्या है, पाउडर, ब्रिक्स का क्या है, पाउडर, और आपको पता है मोर्टार में जो हाइड्रोसिटी प्रोवाइड करवाता है वो किले, और ब्रिक्स में ऑलरेडी क्या होती है गाइस, किले होती है ब्रिक्स में, इसलिए जो सुरखी है
वो भी क्या प्रोवाइड करवाता है मेरे भाई साहब, हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करवाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज, मैंने आप लोगों को बता दी है। और गाइज रात को 11 बजे भी मेरी क्लास है इसी यूट्यूब चैनल पर रात को 11 बजे, जिसमें मैं ये बताऊंगा किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, आपको किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सुर्खी भी गाइज हाइड्रोसिटी इम्पार्ट करती, क्यों? क्योंकि सुर्खी होती है ब्रिक पाउडर, उसमें क्ले प्रेजेंट होता है। ये कह रहा है इंक्रीज द फाइननेस ऑफ सीमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ लीड्स टू हायर श्रिंकेज। यस, फाइननेस करोगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा वाटर अटैच होगा, और ज्यादा वाटर अटैच होगा तो गाइज पानी ज्यादा इवापोरेट होगा, और ज्यादा पानी इवापोरेट होगा तो श्रिंकेज भी हाई श्रिंकेज होगा। ये बात क्लियर हुई क्या गाइज सभी लोग बताओ? ये बात क्लियर होगी। अगला गाइज द पर्पस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का पर्पस क्या है गाइज? की ज्वाइंट है बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार के बीच में, की ज्वाइंट प्रोवाइड करवाता है ब्रिक्स, वो ही गाइज यही है भाई फ्रॉग। क्लियर हो गया? अगला गाइज इसी चैनल पर 11 बजे, इसी चैनल पर 11 बजे ब्रिक्स आर बर्नड एट टेम्परेचर 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो ब्रिक्स के लिए पूछा जाए तो 900 से 12 और सीमेंट के लिए 1400 से 1600। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी को कोई समस्या इसमें? तो गाइज इतनी तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की। अब हम बात करेंगे गाइज कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की। ये कार्टून्स कहाँ से चल रहा आ रहे हैं? अरे मेरे भैया इस चैनल के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो ये आ जाते हैं मेरे भाई साहब फालतू के एक दो लोग कमेंट करने, तो इनका यही है कि इनको इग्नोर मारो। किसी भी दोस्त, किसी भी इंसान की बेइज्जती करनी है तो उससे फाइट नहीं करने की ज़रूरत होती है, उसको ना रिप्लाई देने की ज़रूरत होती है, उसको इग्नोर मारना होता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर मारो, और उसे ये इग्नोर होंगे तब इनको ये पता चलता है कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई साहब, ऐसों को ब्लॉक मारो मेरे भाई साहब, ऐसे लोगों को इनको ध्यान ही मत दो, इग्नोर मारो। क्या ध्यान देना फालतू के कमेंट, आपको अपने कमेंट पे ध्यान देना है, ये फालतू के कमेंट आते रहेंगे, इग्नोर मारना है इनको। ठीक है मेरे भाई साहब, तो अगला होगा गाइज। अब कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में सेग्रीगेशन में क्या होता है? इसमें भाई सेपरेशन होगा एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, और जो ब्लेडिंग होगा इसमें वाटर का होगा। तो गाइज इसमें तो वाटर का होगा, ठीक है गाइज, और इसमें सेग्रीगेशन में किसका होगा? एग्रीगेट का। ये आप लोगों को याद रखना है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला गाइज वर्केबिलिटी क्या होती है गाइज? वर्केबिलिटी आपको बिल्कुल बता रखा है, सभी लोग बताएंगे गाइज वर्केबिलिटी क्या होती है गाइज, कितनी आसान तरीके से आप वर्क कर पाते हो। और कल ही मैंने आप लोगों को बताई है गाइज, जो वर्केबिलिटी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, और स्ट्रेंथ भी इसके ग्रेडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कल मैंने बताया था गाइज, अगर आप लोगों को याद हो तो जो वेल ग्रेडेड हैं गाइज, ये आपको गाइज अच्छी वर्केबिलिटी भी देते हैं एंड अच्छी स्ट्रेंथ भी देते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने कल बताई थी, ये मेरे भाई आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। जो ग्रेडिंग है ना, ग्रेडिंग समझ रहे हो ना, वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है। तो गाइज वर्केबिलिटी है जो जैसे मैं भी बताता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल ही मैंने बताया था ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, तो या तो क्या होगा गाइज वेल ग्रेडेड होगा, एक क्या होगा गाइज पुअरली ग्रेडेड होगा। तो इसमें मैंने कल आपको बताई थी वेल ग्रेडेड में हाई वर्केबिलिटी होती है। हाई वर्केबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि सर यहाँ पे जो फ्री सीमेंट की जो पेस्ट है वो ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए इसमें क्या होती है मेरे भाई साहब, इसकी हाई वर्केबिलिटी होती है। इसमें वॉइड्स में ज्यादा पेस्ट चली जाती है, इसमें वॉइड्स में ज्यादा पेस्ट चली जाती है मेरे भाई साहब, और वर्केबिलिटी इस और फ्री सीमेंट कम होती है, इसलिए इसमें वर्केबिलिटी कम मिलती है, इसलिए आप ग्रेडिंग से बता पा रहे हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के। जो वेल ग्रेडेड होते हैं ये आपको अच्छी स्ट्रेंथ भी देते हैं, ये कल मैंने प्लस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पे अब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला चलो, वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ ट्रांसमिट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैं जब आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैंने आप लोगों को और बता दूंगा। क्लियर? अब गाइज अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, IS कोड की डाटा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है श्रिंकेज स्ट्रेन के लिए, 0.3 मतलब दशमलव के बाद 3 जीरो लगाओ और 3 लिख दो, फिर
इतनी होती है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला एयर इंटरनमेंट क्या करते हैं गाइस, ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अगला गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इंक्रीज विद फाइननेस ऑफ सीमेंट से आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगला मेरे भाई साहब, अच्छा मुझे बताओ फाइननेस ऑफ सीमेंट से स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है? वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी क्या आपको? जल्दी से मुझे बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी क्या? कल ही तो मैंने बताया था करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ क्या होती है गाइज, आप लोगों ने लिख रखा है कि भैया 0.7 रूट एफ सी के। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 mm cube इज मोर कंपेयर टू 1000 mm cube, क्योंकि आपको पता है साइज बढ़ता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। तो गाइज 150 का साइज बड़ा है, 150 का साइज बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी। 100 mm का साइज छोटा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मॉडुलस इलास्टिसिटी आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो 5700 रूट एफ सी के, ये बताओ किसके अकॉर्डिंग है, और 5000 रूट एफ सी के किसके अकॉर्डिंग है? दोनों आपको पता होनी चाहिए किस IS कोड के अकॉर्डिंग है दोनों, ये काफी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं वहां पे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बताओ सभी लोग 5700 किसके करस्पोंडिंग है, 5000 किसके करस्पोंडिंग है, जल्दी से बताओ अब। अरे आप लोग भी तो थोड़ा कमेंट कर दो बाबू, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। नया वाला 5700 है 5000 है, ये बताओ। अरे बताओ तो सही, नया वाला 5700 या 5000 है? और वीडियो को सभी लोग लाइक करें मेरे भाई, बताओ गाइस। अरे बाबू भैया बताओ, इतने लोग लाइव हैं पर बता नहीं रहे। हाँ आप बताएं, अब आए कमेंट 5000 क्लियर। तो इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन कॉन्क्रीट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, अगर आप ज्यादा मॉइस्चर करोगे, ज्यादा मॉइस्चर यानी ज्यादा वाटर होगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि क्योंकि पानी ज्यादा इवापोरेट होगा, जब पानी बाहर निकलेगा तो वो वॉइड छोड़ जाएगा, उससे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। क्लियर। पर्पस ऑफ एक्सलरेटर क्या करता है गाइस, अर्ली सेटिंग कर देता है, हार्डनिंग कर देता है। अभी मैंने बताया था CaCl2, अगर आपको याद हो तो वो क्या था, एक एक्सलरेटर ही था। अभी हमने बात करी थी ना कि वो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में काम में लिया जाता था। अब गाइस जो जिप्सम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर्स, जिप्सम हो गया है मेरे भाई साहब, द परसेंटेज ऑफ वॉइड सीमेंट अप्रोक्सीमेटली 40%, ये आपको पता होना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 1 ईयर, एक ईयर के बाद कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू 28 दिनों से, 20-25% ज्यादा हो जाती है। 28 दिन से कंपेयर करोगे तो एक साल बाद उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी 28 दिन वाली से 20-25%, ये भी पूछा जाता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर, मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और कितना है मेरे भाई साहब इसमें, अभी तो बहुत है, तो ये मैं बाकी का भी आगे करवा दूंगा। सभी लोग 11 बजे आ जाना भाई, 11 बजे सभी लोगों को आना है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई साहब, कहाँ गए, यहाँ पर कर लिए, 11 बजे सभी को आना है मेरे भाई। अब ये कह रहा है कि आपको बेस्ट वर्केबिलिटी किससे मिलेगी, जो राउंडेड एग्रीगेट हैं उनसे क्या मिलेगी मेरे भाई साहब, बेस्ट वर्केबिलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो गाइज कम, और स्मूथ है तो गाइज क्या होगा, सभी लोग बताओ, फ्रिक्शन कम होगा, कम कॉन्टैक्ट एरिया तो कम फ्रिक्शन होगा, कम फ्रिक्शन होगा तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, पर यहाँ पे स्ट्रेंथ कम मिलती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला गाइज, बल्किंग ऑफ सैंड अप्रोक्सीमेटली मॉइस्चर कंटेंट 4-5%, ये भी आप लोगों को लिखना है। फाइनर ग्राइंडिंग अफेक्ट ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ये कह रहा है कि जो फाइनर ग्राइंडिंग है वो अफेक्ट कर रहा है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को, इसीलिए अगर याद पता हो तो हमने जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट करी थी तो हमें अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमने फाइन किया था, फाइन किए थे पार्टिकल को, तो क्या वो स्ट्रेंथ, उसकी वजह से स्ट्रेंथ जल्दी आ गई थी, यस, इसीलिए लिखा गया है जो फाइनर ग्राइंडिंग है, हमने ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग करी थी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे मैंने अभी बताया था ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अगर जल्दी स्ट्रेंथ आ रही है किसकी वजह से आ रही है, फाइनर ग्राइंडिंग की वजह से आ रही है, बात समझ में आई या नहीं आई, इसीलिए बोल रहा हूँ जो फाइनर ग्राइंडिंग है वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। पॉइजन रेशियो इंक्रीज विद रिचर मिक्स, जो रिचर मिक्स है उसका पॉइजन रेशियो इंक्रीज करता है। 1% ऑफ वॉइड्स कॉन्क्रीट के गाइज कितनी परसेंट स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, 5% डिक्रीज कर देते हैं। अगला गाइज, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इन द रेंज ऑफ, ये
दो से ढाई, दो से 3.5 गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज स्टील इज लोअर देन कॉन्क्रीट, कितनी होती है स्टील की 1.15 होती है और गाइज कॉन्क्रीट की 1.5 होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी मेरे भैया, डोंट वरी मैं सेंड कर दूंगा। तो ठीक है गाइज, इतना ही रखते हैं, मैं थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है गाइज, तो इतना ही रखते हैं मेरे भाई। ठीक है गाइज, तो ऑल द बेस्ट गाइज, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, इतना प्यार दो सभी लोग, और इसके आगे का हम बाद में कर लेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। 11 बजे मिलते हैं भैया, 11 बजे मैं टॉपिक वाइज लिखवाऊंगा, इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस करने। ठीक है गाइज, मैं बता दूंगा 11 बजे कि भैया किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये मैं बता दूंगा रात को 11 बजे। ठीक है मेरे भाई, तो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।